एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और आप इन जिलों से हैं, बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर और बहराइच, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का ऐसा प्रश्न जो 2022 बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। यानी आज का यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। और मेवाड़ मुकुट जो कि पंडित गंगा रत्न पांडे जी के द्वारा लिखित है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्या है, मेवाड़ मुकुट के आधार पर महाराणा प्रताप यानी नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। मेवाड़ मुकुट के नायक कौन है, महाराणा प्रताप जी हैं, और आपको बताना है महाराणा प्रताप जी के चरित्र का चित्रण यानी करना है, आपको उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है, उनके क्या गुण थे या उनके जो है चरित्र की क्या विशेषताएं थी। तो यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। और आप ध्यान दीजिएगा कि मेवाड़ मुकुट पंडित गंगा रत्न पांडे जी के द्वारा रचित है, और यदि आप बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर अथवा बहराइच से हैं तो आज का यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो पहली हेडिंग क्या होगी, मातृभूमि रक्षक। पहली हेडिंग क्या होगी, मातृभूमि रक्षक। दूसरी हेडिंग हो जाएगी अद्वितीय वीर। दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी, अद्वितीय वीर। तीसरी हेडिंग है कर्तव्यनिष्ठ, और चौथी हेडिंग है पराक्रमी तथा दृढ़ प्रतिज्ञ, पराक्रमी तथा दृढ़ प्रतिज्ञ। तो चलिए इन्हीं हेडिंग्स के आधार पर मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे अथवा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है, मेवाड़ मुकुट नामक खंडकाव्य के नायक महाराणा प्रताप हैं। इस खंडकाव्य के नायक कौन हैं, महाराणा प्रताप जी हैं, और उनके चरित्र की विशेषताओं का वर्णन निम्न प्रकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली हेडिंग क्या है, मातृभूमि रक्षक। पहली हेडिंग क्या है, मातृभूमि रक्षक। राणा प्रताप निरंतर ही विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगते हैं किंतु फिर भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते। महाराणा प्रताप अनेक कष्ट भोगते हैं लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। वह तो अपने भाई शक्ति सिंह को भी उसके दास्तापूर्ण जीवन के लिए धिक्कारते हैं, और महाराणा प्रताप अपने भाई शक्ति सिंह को भी धिक्कारते हैं। क्यों, क्योंकि शक्ति सिंह अकबर का दास बन गया, और इसलिए महाराणा प्रताप उन्हें धिक्कारते हैं कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम गुलाम बन गए हो। और भयानक कष्ट सहकर भी वह अकबर की गुलामी स्वीकार करना नहीं चाहते, और बहुत भयानक कष्ट सहकर भी वे अकबर की गुलामी को स्वीकार करना नहीं चाहते। मेवाड़ को स्वतंत्र कराना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मेवाड़ को अकबर से स्वतंत्र कराना ही महाराणा प्रताप के जीवन का परम लक्ष्य है। और दूसरी हेडिंग क्या है, अद्वितीय वीर। दूसरी हेडिंग है अद्वितीय वीर। राणा प्रताप एक अपरिमित शक्ति संपन्न वीर योद्धा हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बड़ी वीरता पूर्वक सम्राट अकबर से युद्ध करते हैं तथा उसकी सेना के दांत खट्टे कर देते हैं। महाराणा प्रताप बड़ी वीरता के साथ अकबर के साथ युद्ध करते हैं और उनकी सेना के दांत खट्टे हो जाते हैं। महाराणा प्रताप के इस परम कौशल को देख करके वह वीरों को जन्म देने वाली मेवाड़ भूमि के रत्न हैं।
वे दीरो को जन्म देने वाली मेवाड़ भूमि के रत्न हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में उनकी वीरता की रक्त कथा लिखी हुई है। अगली हेडिंग क्या है? कर्तव्यनिष्ठ। अगली हेडिंग है कर्तव्यनिष्ठ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राणा प्रताप कर्तव्यनिष्ठ एवं अद्वितीय योद्धा हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वे अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते हैं। वे महलों का वैभव छोड़कर वन वन भटकते हैं। महाराणा प्रताप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से नहीं भटकते हैं और वह महलों का वैभव छोड़ करके वन वन भटकते हैं, किंतु अपना कर्तव्य त्याग नहीं करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को बड़ा ही खूबी से। अगली हेडिंग है पराक्रमी तथा दृढ़ प्रतिज्ञ। अगली हेडिंग क्या है? पराक्रमी तथा दृढ़ प्रतिज्ञ। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की ओजस्विता दर्शनीय है। वह युद्ध स्थल में शत्रुओं को धराशायी करने में पूर्ण सक्षम हैं और उनके पराक्रम और वीरता का लोहा स्वयं अकबर भी मानता है। वह सदैव ही अविजित ही रहे। उन्होंने अपनी मेवाड़ भूमि को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया है। तो यदि आप इस खंडकाव्य के इस प्रश्न के उत्तर को तैयार कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर ये बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यह जो प्रश्न पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और यह प्रश्न 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप कमेंट कीजिएगा कि आप किस जिले से हैं और आप चैनल के साथ जुड़कर 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। जल्द से जल्द आपकी परीक्षा का कार्यक्रम घोषित ही होने वाला है। जय हिंद।